सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो चाचा पार्ट 3 पर है, और इसे पहले हमने अमन कलाकार को सुना था, और अब ये गाना जो है अमन कलाकार प्रेजेंट और रोहित बैड बॉय। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन है, और गाने को सुनेंगे तब उसको देखेंगे कि ये है कौन। वैसे तो मुझे वैसे भी पता नहीं लगने वाला वो कौन सा अपना नाम गाने के अंदर बोलेंगे। तो गाने को सुनते हैं, गाने में क्या कुछ लेकर आए हैं। और चाचा पार्ट 3, तो आपको अमन कलाकार के गाने तो याद ही होंगे, वैसे भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनको याद करते हैं। और ये यानी कि जब उस टाइम ये चीज़ें हुई थी तो मैं भी एक ऐसे पर्सनल ऐसे चीज़ों में उलझी हुई थी कि वो चीज़ मुझे भी याद आती है और माइंड पे जो है हिट करती है। तो मुझे पता है कि अमन कलाकार के पेरेंट्स पे क्या चीज़ वो फेस कर रहे होंगे जब उनके अपना उनका साथ उनके बच्चा नहीं होता, तो बहुत चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो गाने को चेकआउट करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या बोलती पब्लिक, चचा आ गया क्या? अब फिर से मचाएंगे। हाँ, क्या कलाकार? अमन को रखा अपने दिल में, मैं जिंदा। जो बोला कुत्ता उसके गले में फंदा। दो नंबर का चलता मेरा भी डंडा। रामनगर का एक लौता मैं गुंडा। कमर में पित्तल चलाने का गुदा। अमन से सीखा और अमन पे लिखा। तब जाके छोटे यहाँ पे मैं दिखा। यहाँ पे मैं दिखा। शक्ल को देख के बोलना मत कायर। झुकेगा नहीं अपन पुत पदा पाया। कलाकार वाले सोच कलाकार बने हम। कभी मरेगा नहीं हम, अभी जीना है हम। क्योंकि बचपन से मेरा है खून गरम। शरीर में मत जाना मेरे जिगरे में दम। अब अमन के दिल पे फेलेंगे हम। रहते हैं हमेशा भोले में मगन। क्योंकि आने वाले वीक के चच्चा है हम। चच्चा है, चच्चा है, चच्चा है हम। आने वाले वीक के चच्चा है हम। चच्चा है हम। रांची भी चार का शान है। यहाँ हरिया दारू तो आम है। हम दाल भात खाते पूरा प्यार से। हाँ यही हमारा पहचान है। ना जाता हूँ बार, ना जाता हूँ जिसको। अबे आटो झाटो रफा चलो यहाँ से किसको। तू मेरे सामने अभी बच्चा है। हाँ बच्चा का पहन तक अच्छा है। और झारखंड में फेमस है चच्चा है। हाँ चच्चा है, चच्चा है, चच्चा है, चच्चा है, चच्चा है। क्या झारखंड में फेमस है चच्चा है। सुन बेटा, नदी जाना, नाला जाना, वहाँ मिलेगा पाना। जो मेरे भाई को पीठ पीछे मारा है, अगर गलती से बेटा गया तो इतना गोली मारेंगे झांट नहीं पकड़ पाएगा थाना। अपना माँ का प्यारा, अपना घर का दुलारा। उसकी नसों की आदत ने उसे बिगाड़ा। यूएस में पूरा उसका गाना गा रहा। छोटा छोटा बच्चा लोग गाना बजा रहा। तूने सामने से नहीं छोड़ा, पीठ पीछे मारा। तो हीरो बन के मेरे सामने मत आना मेरे मित्र। मैं नए नाम का चला दूंगा पिस्टल। यहाँ छोटा छोटा बच्चा लोग चलाता है गोली। पर तेरे लिए काफी मेरा मुक्का ही बोली। तेरे जैसे चाचू को मैं चढ़ा दूंगा सूली। हाइट में मत जाना नहीं तो खाएगा गाली। यहाँ बड़ों को छोड़, यहाँ छोटों का कहर। हाथ में पिस्टल और मुंह में जहर। तू दूंगा छाती में तो छेद हो जाएगा। इतना मेरे नाम का कहर। आने वाले समय में तबाही मचा देंगे। अमन का सपना हम पूरा करा देंगे। हमसे भिड़ेगा तो संभल के बिनन तो बब्बा। हम लॉकडाउन लगा देंगे क्या? हाँ लॉकडाउन लगा देंगे। पब्लिक जमा देंगे। लॉकडाउन लगा देंगे क्या? हाँ लॉकडाउन लगा देंगे। कलाकार आर पी या हाँ हाँ एंड बात करें इस गाने की, तो ये गाना जो है बिल्कुल ही ऐसी वाइब आ रही थी जैसे हमने अमन कलाकार के गाने सुने थे चाचा वाला। तो उसी तरह की वाइब आ रही थी, उसी तरह के नॉटी वाले और फनी वाले जो लिरिक्स थे वही थे। पर अमन कलाकार अमन कलाकार हैं, और जो ये आर्टिस्ट हैं रोहित बैड बॉय, शायद उनका यही नाम है, तो वो अलग है और अमन कलाकार वो अलग है। पर जैसे हम गाने की बात करें तो गाने के लिरिक्स काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी फनी से थे, इंजॉइंग वाले थे, और काफ़ी ऐसे थे नॉटी वाले। तो वो चीज़ मुझे इस गाने के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। और बात करें इस गाने के बीट्स और म्यूजिक की, वो काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से इस गाने को शूट किया है वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। जैसे कि अमन कलाकार ने अपने गाने में एक रूम में शूट किया था बंद होकर, ऐसे ही यहाँ पर जो है रोहित ने शूट किया है एक रूम में बंद होकर, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। पर रूम के साथ साथ उन्होंने बाहर का भी जो शूट किया है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे तो ये गाना जो है अच्छा लगा, और इस गाने को बस सुनो और इंजॉय करो और खुश रहो, क्योंकि गाने के जो लिरिक्स हैं वो काफ़ी फनी से हैं। और जिस तरह से मैंने इस गाने के नीचे जब कमेंट पढ़े तो लोगों ने बोला ये अमन कलाकार का फेम ले रहा है,
और ऐसे बोला, ऐसे लोग बोल रहे थे कि जो अमन कलाकार के हार्डली फैन है वो बोल रहे थे कि ये उनके व्यूज ले रहा है एक तरह से। तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, और ये तो मुझे नहीं पता, पर जिस तरह से कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पर तो मैंने वो पढ़े थे। पर ये गाना सच में ही बिल्कुल ही अलग वाइब थी जैसे कि अमन कलाकार लेकर आते थे। पर मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ये अमन कलाकार नहीं है, पर जो भी हैं इन्होंने अपना डाला है और उन्होंने ये बोला भी है कि मैंने अमन कलाकार से सीखा है। तो सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।